आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं साइंस की 8 क्लास की वर्कशीट नंबर 11 और आज की डेट है 6 नवंबर। आपको याद ही है हम बहुत सारी बातें अब तक पढ़ चुके हैं, स्पेशली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो आज हम मेटल्स के बारे में और कुछ खास बातें पढ़ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सोनोरस के बारे में। ये क्या होता है? जब आप कभी भी एक चम्मच लें और एक दरवाजे पर बजाकर देखें, लकड़ी के दरवाजे पर, तो आप देखेंगे उसमें से अलग तरह की आवाज़ आती है। लेकिन वही आवाज़ अगर आप ग्लास से निकालें, यानी चम्मच को ग्लास पर बजाएं, तो एक अलग तरह की आवाज़ आती है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स आर हिट विद अ हार्ड सरफेस, अ रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर मेटल्स आर कॉल्ड सोनोरस। क्योंकि मेटल्स की चीज़ों को जब भी हम किसी हार्ड सरफेस के साथ, यानी किसी भी कठोर चीज़ से अगर उसको बजाते हैं, तो उसमें से एक अच्छी सी आवाज़ निकलती है और इसी आवाज़ को हम बोलते हैं सोनोरस। और ये सभी मेटल्स के साथ ही होता है केवल। तो मेटल्स का ये एक, अगर हम कहें कि ये उसका एक फीचर हो गया कि वो सोनोरस, तो बिल्कुल ठीक बात हो गई। तो अब बढ़ते हैं दूसरे की ओर, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो ये क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी दी गई है और एक्टिविटी में हमें कुछ करना है, जिसमें हमें करना क्या है कि हमें लेनी है एक बैटरी, लेना है एक वायर लेना है, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम अब तक करते आए हैं, एक हमें छोटी सी एक्टिविटी करनी है बैटरी बल्ब और वायर के साथ। और हमें ये जैसे डायग्राम दिखाया गया बिल्कुल वही करना है, और हमें ए और बी को बारी बारी से कनेक्ट करके देखना है पॉइंट्स को, और फिर हमें देखना है कि बल्ब जलता है हमारा कि नहीं जलता है। और उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा कि वो जला या नहीं जला, उसको हमने यहाँ लिखना है। कहाँ पर लिखना है? यहाँ साइड में टेबल दी गई है और उसी टेबल में लिखना है। तो लिखना क्या है, देखिए हमें मटेरियल, आपको ये जो एक्सपेरिमेंट करना है, एक्टिविटी करनी है, ये आयरन को नेल के साथ करनी है, फिर कोल के साथ करनी है, और फिर एल्यूमिनियम वायर के साथ करनी है, कॉपर वायर के साथ करनी है। वैसे तो ये आपको खुद करना है, पर मैं आपको बता देती हूँ उसका रिजल्ट क्या आएगा, ताकि आप ठीक से करके देख सकें। आयरन नेल की बात करें तो उसमें से अगर हम इसे पास करेंगे एनर्जी को, तो बल्ब जलेगा, कोल में से नहीं जलेगा, एल्यूमिनियम वायर में से भी जलेगा लाइट, मतलब वो जल जाएगा, और कॉपर वायर में से भी जल जाएगा। तो इसका क्या मतलब पूरा रिजल्ट निकालेगा? रिजल्ट ये निकलता है कि जो मेटल्स हैं, जैसे आयरन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, कॉपर मेटल्स है, तो मेटल में से जो विद्युत होती है, या जिसको हम कहें लाइट होती है, लाइट पास करती है उसमें से लाइट पास कर सकती है, इसीलिए इसको हम कंडक्टर बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। किसको? मेटल्स को। तो मेटल्स जो है वो कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं लाइट के। तो द मटेरियल्स, यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, द मटेरियल दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स इन द सर्किट कॉजेज द बल्ब टू ग्लो, दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी करंट कैन पास थ्रू आर नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दोज थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू आर नोन एज इंसुलेटर। अभी अभी हमें क्या समझ में आया? अब हमें ये समझ में आया कि मेटल्स के अंदर से लाइट, इलेक्ट्रिक पावर जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, वो पास कर सकता है। तो मेटल्स के अंदर से इलेक्ट्रिक पावर पास कर जाती है, इसलिए मेटल्स को हम कंडक्टर बोलते हैं। और ऐसी चीजें जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। और आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि एक इंसुलेटर ऐसा भी है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, वो है ग्रेफाइट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक अकेला इंसुलेटर कौन है जो नॉन मेटल है, तो आप बता देना वो ग्रेफाइट है। अब थर्ड चीज, हीट कंडक्टिविटी। तो हीट कंडक्टिविटी भी होती है मेटल्स में। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि पिंकी की मम्मी कुछ कढ़ाई में बना रही हैं हलवा वगैरह, और इतने में डोर बेल बजती है, तो वो खोलने के लिए दरवाजा जाती हैं, वापस आती हैं और चम्मच को पकड़ती हैं जो उन्होंने कढ़ाई के अंदर छोड़ी थी, और उनकी चीख निकल जाती है। तो क्यों निकलती है? इसलिए क्योंकि उनका हाथ जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि मेटल्स का एक फीचर ये भी होता है कि मेटल्स के अंदर जो हीट होती है वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ चलती है, मतलब जिस तरफ मेटल ठंडा है उस तरफ को जाएगी हीट। तो हीट जो है वो इसमें से कंडक्ट करती है, एक जगह से इसमें से दूसरी जगह पर जाती है, और इसीलिए हम मेटल्स को बोलते हैं हीट कंडक्टर, या हीट कंडक्टिविटी का फीचर हम उसके अंदर बताते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं फटाफट से, जिससे कि आपको उसे समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल द हीट मूव फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड, और ड्यू टू विच द होल मेटल बिकम
heats hold hot. Materials through which heat can transfer from hot region to colder region are known as conductor of heat. Metals are good conductor of heat and non-metals are poor conductor or insulator of heat. तो आपको ये ध्यान रखना है, हमने दो चीज़ों के बारे में बात की, एक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की और दूसरा हमने हीट के बारे में बात की. तो जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, और जो नॉन मेटल हैं वो इंसुलेटर हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी. पर आपको याद रखना है कि ग्रेफाइट जो है वो एक अकेला ऐसा है नॉन मेटल जो कंडक्टर है. ठीक, अब हम बढ़ जाते हैं कि आज हमने क्या सीखा इसकी ओर. तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछा है कि वो कुकिंग पेन इज मेड ऑफ आयरन वाइल इट्स हैंडल इज कवर्ड विद वुड. आपको पता है कि जो कुकिंग पेन होता है जिसे हम हिंदी में तवा बोलते हैं, वो वैसे तो लोहे का बना होता है लेकिन उसका हैंडल लकड़ी का इसलिए होता है क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि तवा जो है वो लोहे का है, यानी कि वो मेटल है. मेटल में से जो एनर्जी है और हम बात कर रहे हैं हीट है वो पास करती है. ठीक है, वो उसकी कंडक्टर है. तो हमारा हाथ जल जाएगा. और लकड़ी जो होती है वो नॉन मेटल है, वो कंडक्टर नहीं है, इसीलिए उसको ऊपर लकड़ी लगा देते हैं ताकि हमारा हाथ ना जले. तो इसका छोटा सा आंसर, ताकि हमारा हाथ जलने से बच जाए. हैंड्स कैन बी सेव्ड फ्रॉम बर्निंग. व्हाट डिड द स्क्रीम ऑन टचिंग द मेटल स्पैटुला. अच्छा, ये पूछा है इन्होंने उन पिंकी की मम्मी के बारे में कि वो क्यों चीख पड़ती हैं. वो इसलिए चीख पड़ती है क्योंकि उनका हाथ जल जाता है. तो बिकॉज ऑन होल्डिंग द मेटल स्पैटुला हर हैंड गॉट बर्नड. उसके बाद हमसे थर्ड क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें. आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक करते ही उसका कलर चेंज, मतलब चैनल सब्सक्राइब. सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंच जाएगी और अपना काम आसानी से कर पाएंगे. वैसे तो इन वीडियोज को बनाने में बहुत एनर्जी चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और आपके सब्सक्राइब करने से हमें एनर्जी मिलती रहे. और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करना भी, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. तो अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड का आंसर, व्हाट आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो कंडक्टर हैं वो ऑल मेटल्स हैं बिसाइड्स ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट एक अकेला नॉन मेटल है. नॉन मेटल होने के बाद भी वो क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, आपको याद रखना है. राइट एनी थ्री यूजेस ऑफ मेटल्स, क्योंकि बड़े सारे यूजेस होते हैं. जैसे हम अपने घर में देखें तो हम अपने बर्तनों के बारे में बात करें तो वो भी मेटल्स के बनाए जाते हैं. इलेक्ट्रिक वायर्स की बात करें तो वो भी मेटल्स के बनाए जाते हैं. मशीन्स बनाई जाती हैं, सिलेंडर भी हमारा मेटल का होता है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेटल्स की बनाई जाती है. तो ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी वर्कशीट बहुत सारी नॉलेज के साथ. फिर मिलते हैं ऐसी ही वर्कशीट्स के साथ. तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें. नमस्कार और थैंक यू.